हे फूड लवर्स, मैं रिचा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी तड़का मसाला मैक्रोनी पास्ता। इसमें आपको मैक्रोनी को पहले बॉईल करने का झंझट नहीं करना होगा, क्योंकि आज मैं इसे बनाने जा रही हूँ प्रेशर कुकर में। इस चटपटी मसाला मैक्रोनी पास्ता को बनाने में केवल 10 मिनट लगते हैं, तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैक्रोनी बनाने के सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और 2 टमाटर ले लिए हैं। तो प्याज, अदरक और लहसुन को मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया है। टमाटर और मिर्च को भी हम रफली चॉप कर लेंगे। प्याज, अदरक और लहसुन का हमें एक पेस्ट तैयार कर लेना है। टमाटर और हरी मिर्च की भी हमने प्यूरी बना ली है। अब हम कुकिंग करने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गैस पे एक प्रेशर कुकर को चढ़ा देंगे। इसके अंदर मैं लगभग 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दूंगी। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और ये अनियन वाला पेस्ट इसमें डाल देंगे। प्याज को हमें लो फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो अब मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। हल्दी को भी हम यहाँ पे 8 से 10 सेकंड के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने आधे शिमला मिर्च को भी फाइनली चॉप्ड कर लिया है, तो इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आप शिमला मिर्च का टेस्ट नहीं पसंद करते तो आप इसे स्किप कर एक बार सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं यहाँ पे नमक भी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं 1/2 छोटा चम्मच नमक को यूज कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला भी ऐड कर दूंगी। मसाले को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे लो ही रखना है। 2 से 3 मिनट बाद हम देखेंगे कि मसाले में से तेल अलग हो चुका है, तो इसका मतलब हमारा मसाला पक चुका है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले 1 ग्लास पानी को ऐड किया है। तो एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं 1/2 ग्लास पानी और ऐड कर दूंगी। तो टोटल मैंने 1.5 ग्लास पानी यूज किया है। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और पानी में उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें अपनी मैक्रोनी पास्ता को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 200 ग्राम मैक्रोनी यूज की है। तो हम मैक्रोनी को कुकर में डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्रेशर कुकर में मैक्रोनी बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि पानी हमेशा मैक्रोनी के लेवल से हल्का सा ऊपर ही हो। तो अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच मैगी मसाला यूज कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास मैगी मसाला ना हो तो उसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं। इसके बिना भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम मसाले को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। हमें हाई फ्लेम पर इसे 1 सीटी आने तक पकाना है। हाई फ्लेम पर 1 सीटी आ चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे 2 सीटी तक और पकाएंगे। लो फ्लेम पर 2 सीटियां और आ चुकी हैं, तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम प्रेशर कुकर को अपने आप पूरा ठंडा होने देंगे, उसी के बाद इसे खोलेंगे। तो प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है, अब हम इसे खोल देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी मैक्रोनी एकदम अच्छे से पक गई है। इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे। ये मैक्रोनी देखने में एकदम टेम्पटिंग लग रही है। मैं आपको एक मैक्रोनी कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से ये कुक हो चुकी है। अगर आपको लगे कि आपकी मैक्रोनी अभी अच्छे से कुक नहीं हुई है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए ढककर पका सकते हैं। लेकिन मेरी मैक्रोनी यहाँ अच्छे से कुक हो चुकी है, तो अब इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 10 मिनट में हमारी ये चटपटी मसालेदार मैक्रोनी बनकर रेडी हो गई है।
तो एक बार इस तरह से प्रेशर कुकर में मैक्रोनी बनाकर आप जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताएं कि आपको इस मैक्रोनी का टेस्ट कैसा लगा। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे वीडियो के नीचे लाइक बटन को जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोज की पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।